Hi friends, welcome to Little Kitchen. मैं शमीम पटेल. आज मैं बनाऊंगी कोकोनट पन्ना कोटा विथ मैंगो शॉट. तो आइए इसे बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लें. 1 कप फ्रेश क्रीम, 1/2 कप शक्कर, 1 कप फ्रेश कोकोनट वाटर, 1 कप फ्रेश कोकोनट मलाई, 1 टेबल स्पून चाइना ग्रास पाउडर यानी अगर पाउडर, मैंगो फ्लेवर की पानी की जेली, 1 कप फ्रेश मैंगो प्यूरी, 1/2 कप शक्कर, 1 टीस्पून अगर पाउडर, 2 टेबलस्पून पानी, गार्निशिंग के लिए व्हिप क्रीम, फ्रेश मैंगो के पीसेस, वेनिला एसेंस. सबसे पहले हम फ्रेश कोकोनट वाटर और फ्रेश कोकोनट मलाई को मिक्सर में क्रश कर लेंगे. ये कोकोनट वाटर और कोकोनट मलाई को मैंने क्रश कर लिया है. अब एक पैन में फ्रेश क्रीम, शक्कर और अगर पाउडर, इन सबको पकाएंगे थोड़ा मीडियम फ्लेम पे. देखिए इसे मीडियम फ्लेम पर एक उबाल आना शुरू हो गया है. इसे बीच बीच में आप चमचे से चलाते रहें ताकि कोई लम्स ना बने. देखिए इसमें एक उबाल आ चुका है. हम गैस बंद कर देंगे. आप इसमें शक्कर अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं. अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप शक्कर थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं. अब हम इसमें गैस बंद कर दिया है हमने. अब हम इसमें वेनिला एसेंस और ये जो फ्रेश कोकोनट वाटर और मलाई को क्रश करके रखा था वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे. आप किसी भी सर्विंग बाउल या ट्रे जिसमें भी आप डेजर्ट सेट करना चाहते हैं उसमें इस ये जो कोकोनट मिल्क पका हुआ है इसका फर्स्ट लेयर कर देंगे इस तरह से. देखिए इस तरह से मैंने सारे सर्विंग बाउल में इस कोकोनट का फर्स्ट लेयर कर दिया है. अब इसे 1 घंटे के लिए फ्रीजर में सेट करेंगे. अब हम मैंगो फ्लेवर की पानी की जेली बना लेंगे. एक पैन में पानी की जेली के दोनों पैकेट डालें. और 400 ml पानी डालेंगे और इसे एक उबाल आने तक पकाएंगे. ये एक उबाल आ चुका है. ये हमारे पानी की जेली पक चुकी है. अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा करेंगे. देखिए ये हमारी पानी की जेली भी थोड़ी ठंडी हो चुकी है और ये हमारा फर्स्ट लेयर भी सेट हो चुका है. हम इसके ऊपर पानी की जेली का लेयर करेंगे इस तरह से. ध्यान रहे जेली को थोड़ा ठंडा करके डालना है वरना दोनों लेयर मिक्स हो जाएंगे. देखिए इस तरह से हमने सेकंड लेयर कर दिया है. वह इसे 15 मिनट के लिए फ्रीजर में सेट करेंगे. अब हम मैंगो पल्प की जेली बना लेंगे. एक पैन में पानी डालें, अगर पाउडर, मैंगो प्यूरी, शक्कर, इन सबको थोड़ा पका लेंगे. देखिए इसमें एक उबाल आ चुका है. ये हमारी मैंगो की जेली भी रेडी है. हम गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा करेंगे. हमारी मैंगो की जेली भी थोड़ी ठंडी हो चुकी है और ये हमारा सेकंड लेयर भी सेट हो चुका है. हम इसके ऊपर मैंगो जेली का लेयर करेंगे. देखिए इस तरह से मैंने सारे ग्लास में थर्ड लेयर कर दिया है. हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रीजर में सेट करेंगे. ये हमारा थर्ड लेयर भी सेट हो चुका है. अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे. व्हिप क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है. इस तरह से मैंने व्हिप क्रीम रख दिया है. अब हम इसके ऊपर फ्रेश मैंगो पीसेस रखेंगे. मैंने फ्रेश मैंगो के पीसेस रख दिए हैं. अब हम मिंट लीव्स रखेंगे.
देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कोकोनट पन्ना विथ मैंगो शॉट रेडी है। आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।